हेलो गाइस, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। तो आज हम डायमंड लूप्स के बारे में बात करने वाले हैं। बेसिकली मार्केट में तीन टाइप्स के लूप्स अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट वन इज सिंगलेट, सेकंड वन इज डबलेट, थर्ड वन इज ट्रिपलेट। तो सिंगलेट को सिंगलेट इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें एक ही लेंस होता है, मतलब एक लेंस को उसमें यूज करके उसे सिंगलेट बनाया जाता है। डबलेट में दो लेंस होते हैं और ट्रिपलेट में तीन लेंस होते हैं। ये तीनों में से सबसे बेटर ट्रिपलेट होता है। वो क्यों होता है मैं आपको अभी बताऊंगा। सिंगलेट में से जब आप डायमंड को देखोगे तो आप अच्छे से अंदाजा नहीं लगा सकते कि उसमें कौन कौन से इंक्लूजन है, उसका कलर कैसा है, उसकी क्लैरिटी कैसे है। तो डबलेट की बात करते हैं, डबलेट में से जब आप डायमंड को देखोगे तो आप अंदाजा लगा सकते हो, उसका कलर भी देख सकते हो और उसकी क्लैरिटी भी देख सकते हो। और सबसे बेटर वाला लूप होता है वो ट्रिपलेट होता है, क्योंकि उसकी क्लैरिटी उसमें से देखने के बाद उसकी क्लैरिटी, उसका कलर और उसके इंक्लूजन आप सभी चीजें एकदम अच्छे से देख सकते हो। उसमें कौन कौन से इंक्लूजन है, उसमें जैसे कि ब्लैक क्रिस्टल है, व्हाइट क्रिस्टल है, नीडल है, फेदर है, वो सब कुछ आप एकदम अच्छे से देख सकते हो। तो मेरे पास अभी अवेलेबल है 10 पावर वाला लूप और मेरे पास ट्रिपलेट में अवेलेबल है 14 पावर वाला लूप। मेरे पास डबलेट में 10 पावर वाला लूप अवेलेबल है। बेसिकली सिंगलेट में भी सारे पावर वाले लूप अवेलेबल होते हैं, डबलेट में भी सारे पावर वाले लूप अवेलेबल होते हैं और 14 पावर वाले ट्रिपलेट में भी सारे पावर वाले लूप अवेलेबल होते हैं। आपको शायद पता होगा कि आजकल मार्केट में एक ज्वेलर्स लूप नाम का एक लूप अवेलेबल है जिसमें लाइट भी होती है। वो लाइट ऑन करके जब आप कोई इंक्लूजन देखोगे कोई डायमंड में तो आप अच्छे से अंदाजा भी नहीं लगा सकते क्योंकि उसकी क्वालिटी इतनी चीप होती है। तो मैं उसको लेके एक वीडियो बनाने वाला हूं नेक्स्ट वाला, तो आप जरूर देखिए। और उसके बाद में राउंड शेप के बारे में भी बात करने वाला हूं, उसमें फेसेट कौन कौन से है और उसकी हिस्ट्री कैसे हुई, वो सबसे पहले आने वाला शेप क्यों है, वो सभी मैं बताने वाला हूं।